मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी विकास हुआ है, क्योंकि जो भी राशन आता था वो तो गाय को या हमारे किसी भी क्या कहते हैं भैंस को डालने के लायक भी नहीं है, तो वो लोग कैसे खाएंगे। अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट कैमराज जो है मेन फंक्शनिंग जो चीज़ है हमारी आजकल डिजिटल की, वो ज़रूर अपनी तरफ से लगवाऊंगी। और तरह देती है तो मैं तो यही देखती हूँ कि ठीक है उनके पास पैसा होगा, उनके पास पावर होगी, पर हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं साजन शर्मा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां से बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के अलायंस की उम्मीदवार हरजोत कल्याण जो है अपनी किस्मत अजमा रही हैं। एक मुख्य बात जो देखने में आई है कि शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बीटेक किया हुआ है और ये एमटेक अभी फिलहाल कर रही हैं, तो इतना पढ़ा लिखा उम्मीदवार शायद अभी तक हमारे इंटरव्यूज के दौरान कोई नहीं मिला है। आइए हम उनसे खुद जानते हैं कि किस तरह से वो सारे चुनाव को देखती हैं और क्या क्या यहाँ वार्ड की समस्याएं हैं। मेरा नाम हरजोत कल्याण है और मैं नीटर में एमटेक कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरा स्पेशलाइजेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और मैं यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखती हूँ, जैसे कि ड्रेनेज, वुमेन सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी कैमराज नहीं है। इवन जो यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ पे भी नहीं है सिक्योरिटी कैमराज। तो मेन तो मेरा मुद्दा यही है कि वुमेन्स की कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। अभी मेरे लिए ही 2 दिन पहले हूटिंग हुई है जो कि बीजेपी पार्टी ने की है, उसके लिए भी मतलब मैं अकेली यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रहना मतलब बहुत ही इनसिक्योर है। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि हमें गर्ल्स को आगे आना चाहिए ताकि हम अपनी सिक्योरिटी और अपनी खा सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये एरिया एक क्राइम जोन एरिया होने के चलते सिक्योरिटी यहाँ का मुख्य इशू है? हाँ जी बिल्कुल, सिक्योरिटी यहाँ का मुख्य इशू है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोगों ने तो प्रचार करना है, हम तो चाहेंगे और एक ये आम बात है कि हूटिंग होगी, लेकिन इसमें और किस तरह से महिलाओं की इनसिक्योरिटी किस तरह से रहती है या क्राइम महिलाओं के प्रति होते रहते हैं, कुछ ऐसा सामने आया? शाम को 5 या 4 बजे के बाद भी लेडीज बाहर नहीं निकलती हैं, बेसिकली सब अपने घरों में अंदर ही रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी अकेले प्रचार कर रही हूँ, मेरे साथ कोई मतलब लेडीज आ नहीं रही है बाहर, उनको भी अपनी सिक्योरिटी की टेंशन है, तो मुझे इसलिए लगता है कि गर्ल्स की सिक्योरिटी मेन इशू रहता है यहाँ पर। तो जो आपके प्रतिद्वंदी है यहाँ पे कांग्रेस के और बीजेपी के, वो इस मुद्दे को किस तरह से ले रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं या नहीं, इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं? सर, बीजेपी तो पहले भी यहाँ पर आई है ना, तो उनका तो ये कर्तव्य पहले ही बनता था कि हम कुछ करें, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए मैं इसके लिए खड़ी हूँ, है ना। अगर वो आगे कुछ करती पहले ही अपने स्तर पर अपनी जिम्मेवारी समझती इस बात को, तो ये सिक्योरिटी वाला इशू तो मैं कभी उठाती है ना। तो और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस से तो पहले ही भरोसा उठ चुका है जनता का, उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट होने के चलते अपने प्रचार को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, या कि और भी कई तरीके अपना रहे हैं प्रचार के? जी, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ और सोशल मीडिया पे भी मैंने अपना हैंडल चलाया हुआ है, अपना पेज है फेसबुक पे, तो मैं वहाँ पर भी वीडियोज डालती हूँ, अपने जो भी मैं करती हूँ रोज की मर्रा जिंदगी में वो सब मैं उस पर अपलोड करती हूँ साथ के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जनता मुझे एक मौका दे ताकि मैं लेडीज के लिए खड़ी हूँ, एजुकेशन के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन टारगेट है वो तो फीमेल एजुकेशन, फीमेल सिक्योरिटी के लिए ही है। बाकी बेसिक जो है मेरा, जो बच्चे हैं, जेंट्स भी हैं, बॉयज हैं जो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, उनका रोजगार, वो सब भी मेरे मुद्दे रहे। तो जैसे आपने बताया कि ये एक गरीब बस्ती है और मजदूर तबके के काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अगर
देखा जाए तो आप अपनी बात इन तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं और किस तरीके से पहुंचा रहे हैं अपनी बात, क्योंकि एक समस्या ये भी रहती है कि जो इशू आप उठाना चाहते हो वो इश्यूज उनको स्ट्राइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तो सर मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से आती हूँ कि पैसा लगा दिया चलो उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा ने खुद रेड़ी लगा के कुल्फी बेच के सब्जी बेच के इतना सब कुछ कमाया है जो भी उन्होंने अभी तक कमाया है, और मेरे पापा ने खुद काफी बच्चों को पढ़ा दिया है अपने घर में रख कर ही। मेरी छोटी बहन है, बुआ की लड़की है, मामा की बेटी है, काफी सारे बच्चे मेरे पापा ने पढ़ाए हैं, वो पहले से ही सोशल वर्क करते आ रहे हैं, तो उनकी पद पे मैं चलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मुझे वहीं से ये विजन मिला है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ये इतने मतलब पहले के जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं वो ऐसे ही पेड़ कटवाएंगे तो कैसे चलेगा, आप खुद ही बताइए। वैसे यहाँ पर पेड़ कम है, इतने पेड़ है नहीं, और ऊपर से वो और पेड़ कटवा रहे हैं, तो कैसे हमारे सिटी ब्यूटीफुल कैसे फर्स्ट नंबर पर। कोरोना काल में कैसे विकास कार्य रहे हैं बीजेपी के यहाँ पर? सर यहाँ पे पहले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी विकास हुआ है, क्योंकि जो भी राशन आता था वो तो गाय को या हमारे किसी भी क्या कहते हैं भैंस को डालने के लायक भी नहीं है, तो वो लोग कैसे खाएंगे? जो यहाँ पर छोटे मतलब बहुत ही छोटे स्तर के लोग हैं जिनको रेड़ी लगाना होता है या सड़क पे रोड के किनारे बैठ कर वो कुछ बेचते हैं, जिनकी 17 में कोई छोटी ऐसी टपरी थी, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? वो सब वहां से हटा दिया, उन सबका रोजगार वहीं से बंद हो गया। अगर आप जीत के आते हैं तो आपके मुख्य वादे क्या रहेंगे, क्या कार्य करेंगे आप? अगर मैं जीत के आती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि मैं जीतूँ, क्योंकि यहाँ की जो हालत है वो मुझसे तो नहीं देखी जाती, बाकी आप सब लोगों का मुझे पता नहीं, पर अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट कैमराज जो है मेन फंक्शनिंग जो चीज है हमारी आजकल डिजिटल की, वो जरूर अपनी तरफ से लगवाऊंगी, और पार्किंग का एरिया, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, सीवरेज वो भी प्रॉपर नहीं है, तो और एजुकेशन सेक्टर में मुझे बहुत काम करना है गर्ल्स की खासकर, क्योंकि गर्ल्स पावर को दिखाना चाहिए हमको कि आगे आओ और लड़ो अपने हक के लिए, ऐसे घर में बैठने से कुछ नहीं। जहां आपके कॉम्पिटिटर विपक्ष पार्टी में आम आदमी पार्टी के भी है और मौजूदा काउंसलर भी हैं, आप किस देखते हैं चुनौतियों को, किस तरह देखते हैं? सर मैं तो यही देखती हूँ कि ठीक है उनके पास पैसा होगा, उनके पास पावर होगी, पर हमें एकजुट होने की जरूरत है, अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी वार्ड नंबर 3 से बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल अलायंस की हरजोत कल्याण। इनका कहना है कि बापूधाम कॉलोनी और इनसे इनके वार्ड नंबर 3 में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। वुमेन सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा इशू है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बहुत चिंतित है और ये उसको लेकर काम करना चाहती हैं। दूसरा इनका कहना है कि यहाँ पर जो है महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा खासतौर से, ये उसको मुद्दे को उसको मुद्दा बनाकर चलना चाहती हैं और इन लड़कियों को जो है शिक्षित करना चाहती हैं ताकि ये आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकें और अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकें। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए, कैमरामैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।